आज के टाइम में आप क्लिंग AI VO3 सोरा और रनवे ML जैसे AI टूल्स की मदद से लिटरली सिनेमैटिक फिल्म बना सकते हो, वो भी बिना कैमरा उठाए। लेकिन सवाल ये है कि बनाए कैसे, और यही आंसर आपको मिलेगा इस AI फिल्म मेकिंग कोर्स में। पर फिल्म मेकिंग का नाम सुनते ही टेंशन मत लेना, ये कोर्स तुम्हें कैमरा चलाना नहीं विजुअल सोचना सिखाएगा, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे AI फिल्म मेकिंग के वो प्रॉम्प्ट्स, एंगल्स और टेक्निक्स जो सिर्फ प्रोफेशनल डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स जानते हैं, और अब तुम भी कुछ हद तक उन जैसा कंटेंट बना पाओगे। इस कोर्स के बाद आप किसी भी AI वीडियो जनरेटर को मास्टर कर पाओगे, क्योंकि ये कोर्स तुम्हारा फाउंडेशन विजन स्ट्रॉन्ग करेगा, कैमरा एंगल, शॉट्स, प्रॉम्प्ट राइटिंग, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से। प्रॉब्लम क्या है कि लोग हजारों रुपए टूल्स में खर्च करके प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकाल पाते, क्योंकि उन्हें सिनेमैटिक थिंकिंग और प्रॉम्प्ट डिजाइन का बेसिक नहीं पता होता। मेरा वादा है कि इस AI फिल्म मेकिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तुम किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे और रियल AI फिल्म मेकर जैसा कंटेंट निकाल पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। AI पे वीडियो बनाना हो या रियल कैमरा से, सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी चाहिए वो है कैमरा एंगल्स। अब मैं इसका कोई बोरिंग डेफिनेशन नहीं देने पाला, सीधा और सिंपल समझो, कैमरा एंगल का मतलब होता है तुम्हारा कैमरा सब्जेक्ट को किस डायरेक्शन और हाइट से देख रहा है। एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि हमारी कहानी का हीरो पावरफुल लगे तो कैमरे को नीचे रखो और ऊपर देखो, दैट्स अ लो एंगल शॉट, जिससे हमारी मूवी का हीरो बड़ा, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग दिखेगा। अगर तुम किसी को हेल्पलेस दिखाना चाहती हो तो कैमरे को ऊपर रखो और नीचे देखो, दैट्स अ हाई एंगल शॉट, बंदा छोटा और कमजोर लगेगा। अगर तुम नॉर्मल बात कर रहे हो फेस टू फेस, जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दैट्स अ हाई लेवल शॉट। मैथमेटिकली या थ्योरी में मत जाओ, बस ये सोचो तुम ऑडियंस को क्या फील करवाना चाहते हो, उसके हिसाब से कैमरा का एंगल डिसाइड होता है। राउंड एग्जांपल, सुपर हीरो स्टैंडिंग ऑन अ रूफ टॉप, लो एंगल, सिनेमैटिक लाइट्स, नाइट फॉग, इससे उसकी पावर फील होती है। तो शॉर्ट में कैमरा एंगल इज इक्वल टू इमोशन प्लस परसेप्शन प्लस कंट्रोल। तुम्हारे AI या कैमरा सीन को कैसा दिखाएगा ये एंगल ही डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आता है वो एंगल जो हर बिगिनर को मास्टर करना चाहिए, तो वो है आई लेवल शॉट। इसमें कैमरा एग्जैक्टली सब्जेक्ट की आंखों के लेवल पे होता है, ना ऊपर ना नीचे। भाई सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम जैसे अपने दोस्त के सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो, वही हमारा आई लेवल शॉट है। ना हीरो लग रही हो ना विलन, एकदम न्यूट्रल और रियल। ये शॉट कब यूज होता है, जब तुम चाहते हो कि ऑडियंस को फील हो ये करेक्टर मेरी तरह है, रिलेटेबल और नॉर्मल। रियल लाइफ एग्जांपल्स, इंटरव्यू शॉट्स, डेली ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम रील्स, जूम कॉल कन्वर्सेशन, या फिर कोई ऑफिस सीन जहां पर कोई आराम से बैठा हो। तो चलिए इस प्रॉम्प्ट को यूज करके एक इमेज बनाते हैं। अ यंग वुमन वर्किंग ऑन अ लैपटॉप इन एन ऑफिस, आई लेवल शॉट, नेचुरल लाइट थ्रू विंडो, सिनेमैटिक डेप्थ ऑफ फील्ड। अब भाई देखो, AI फिल्म मेकिंग में प्रॉम्प्ट लिखने का मतलब सिर्फ सीन बोलना नहीं है, तुम AI को प्रॉपरली डायरेक्टर की तरह इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कैमरा कहाँ होगा, मूड कैसा होगा, सीन को किस एंगल से दिखाना है। अब चलो इस प्रॉम्प्ट को एक एक पार्ट में समझते हैं कि तुमने क्या बोला और AI ने क्या समझा। अ यंग वुमन वर्किंग ऑन अ लैपटॉप इन एन ऑफिस, इस पार्ट में तुमने AI को बेसिक चीज बताई, कौन है यंग वुमन, क्या कर रही है वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, कहाँ है इन एन ऑफिस। इससे AI को मिलता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस सेटिंग्स, जो सीन का बैकबोन होता है। अगर ये तीन चीजें तुम्हें क्लियर नहीं है तो AI या तो इस सीन को गलत बनाएगा या रैंडम सीन बना देगा। आई लेवल शॉट, ये पार्ट सीन के कैमरा एंगल को डिफाइन करता है। जैसे तुम कह रहे हो AI मुझे सब्जेक्ट को उसकी आंखों के लेवल से देखना है, एकदम न्यूट्रल, फ्रेंडली, नॉर्मल फील चाहिए। ये एंगल तब यूज होता है जब तुम चाहते हो कि व्यूअर्स को लगे मैं इस करेक्टर से जुड़ गया हूँ, जैसे वो मेरे सामने बैठा है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू शॉट्स, व्लॉग सीन्स या फ्रेंडली कन्वर्सेशंस। नेचुरल लाइट थ्रू विंडो, अब इस ब्रेस की मदद से तुम AI को लाइट की डायरेक्शन और मूड के बारे में बता रहे हो। नेचुरल लाइट थ्रू विंडो का मतलब होता है सॉफ्ट शेडोज, रियलिस्टिक टोन, एकदम सुटेबल और प्लेजेंट वाइब। सिनेमैटिक डेप्थ ऑफ फील्ड, ये पार्ट सबसे ज्यादा फिल्म लुक लगता है। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है
सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखे लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो। तुम कह रही हो एआई मुझे बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शन मत देना, फोकस सिर्फ सब्जेक्ट पे चाहिए एक सिनेमैटिक टच के साथ। जब तुम सिनेमैटिक डेप्थ ऑफ फील लिखते हो तो एआई फ्रेम को विजुअली पॉलिश करता है, एकदम प्रोफेशनल लुक देता है। तो फुल प्रॉम्प्ट की समरी को समझा जाए, अ यंग वुमन वर्किंग ऑन अ लैपटॉप इन एन ऑफिस, आई लेवल शॉट, नेचुरल लाइट थ्रू विंडो, सिनेमैटिक डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इस प्रॉम्प्ट की मदद से तुम एआई को क्लियरली बता रहे हो क्या दिखाना है, अ यंग वुमन वर्किंग, कैसे दिखाना है आई लेवल नेचुरल लाइट, किस स्टाइल में दिखाना है सिनेमैटिक डेप्थ। यही होता है प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखना, एआई को एक सीन ही एक डायरेक्टर लेवल इंस्ट्रक्शन देना। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आई लेवल शॉट का बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखो सिर्फ देखकर फिल्म मेकिंग नहीं आती, प्रैक्टिस ही तुम्हें प्रो बनाएगी। तो अब वक्त है खुद से सोचने का। आप एक इमेजिनरी सीन इमेजिन करो, सोचो एक लड़का लाइब्रेरी में बैठा है या कोई औरत अपने पेट को घूर रही है, फिर उस सीन का आई लेवल प्रॉम्प्ट लिखो। तुम जितना ज्यादा प्रॉम्प्ट लिखने की आदत डालोगे एआई तुम्हारे सीन को उतना ही सही समझेगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप मेटा एआई की इस वेबसाइट पे जाकर अपना फ्री अकाउंट बनाएं। तो इसमें आप इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली लॉग इन कर पाओगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड हाई क्वालिटी इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, एंगल टू हाई लेवल शॉट। तो भाई आई लेवल से आगे बढ़ते हैं और आता है एक ऐसा एंगल जिसका यूज इमोशन तोड़ने के लिए होता है, हाई एंगल शॉट। सिंपल भाषा में समझो, इसमें कैमरा सब्जेक्ट से ऊपर होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है, जैसे तुम किसी छोटे बच्चे को ऊपर से देख रहे हो, जैसे ड्रोन से कोई अकेला बंदा नीचे देख रहा हो। ये शॉट तब यूज होता है जब तुम चाहते हो कि करेक्टर छोटा दिखे, वीक लगे, दुनिया के सामने बेचारा महसूस हो, इमोशनली प्रेशर में हो। मतलब ये एंगल डायरेक्टली इमोशन से खेलता है, ऑडियंस को फील होता है कि इस बंदे के साथ कुछ गलत हो रहा है। अ स्मॉल चाइल्ड स्टैंडिंग अलोन इन द मिडल ऑफ अ रेनी स्ट्रीट, हाई एंगल शॉट, मिडनाइट, इमोशनल सिनेमैटिक टोन। अब भाई सोच के देखो, रात के 12 बजे हैं, स्ट्रीट पे कोई नहीं है, एक छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा है और ऊपर से बारिश हो रही है। तुम एआई को बोल रहे हो कि मुझे ये सीन बनाना है, एक ऐसा विजुअल प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें देखते ही ऑडियंस का दिल टूट जाए। अब देखो प्रॉम्प्ट में क्या मैजिक हो रहा है, अ स्मॉल चाइल्ड, यानी तुमने अपने सब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, एक इनोसेंट डेलिकेट सब कैरेक्टर जिसका इमोशन स्क्रीन पे इजिली फील होता है, स्टैंडिंग अलोन यानी उस बच्चे के साथ कोई नहीं है। एआई को तुम क्लियरली बोल रहे हो कि भाई मुझे क्राउड नहीं चाहिए, कोई मम्मी पापा नहीं चाहिए, कोई डॉग भी नहीं चाहिए, बस एक अकेला बच्चा ताकि लोनलीनेस फील आए। रेनी स्ट्रीट मिडनाइट, भाई एनवायरनमेंट का मूड यहाँ से डिसाइड होगा। रेन इज इक्वल टू सैडनेस, मिडनाइट इज इक्वल टू फियर प्लस डार्कनेस, हाई एंगल शॉट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम एआई को बोल रहे हो कि कैमरा ऊपर से लेना नीचे देखते हुए, इसका मतलब ऑडियंस जब उस बच्चे को देखेगी तो उसे लगेगा कि वो छोटा है, बेचारा है, वीक है। और एग्जैक्टली यही मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ, इमोशनल सिनेमैटिक टोन। और लास्ट में तुम एआई को बोल रहे हो कि सीन तो सैड है लेकिन एकदम मूवी जैसा बनाना, लाइट शेडो फ्रेमिंग सब हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो इसमें हमने एक ऐसा डिटेल प्रॉम्प्ट डाला जिसमें हमने एआई को कंफ्यूज होने का कोई भी चांस नहीं दिया, सीन क्लियर था, इमोशन क्लियर था और रिजल्ट भी वैसा ही आया, एंगल 3 लो एंगल शॉट। अब बात करते हैं एक ऐसे कैमरा एंगल की जो किसी को भी हीरो, बॉस या पावरफुल बना देगा, इसका नाम है लो एंगल शॉट। सिंपल तरीके से समझा जाए तो लो एंगल शॉट का मतलब होता है कैमरा नीचे होता है और सब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा है, जैसे कि तुम जमीन पे हो और कोई तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे ऊपर से देख रहे हो। इससे क्या होता है, वो आदमी बड़ा स्ट्रांग और इम्प्रेसिव लगता है, जैसे वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। प्रॉम्प्ट एग्जांपल, अ सुपर हीरो स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, लो एंगल शॉट, नाइट टाइम, सिटी लाइट्स इन बैकग्राउंड, सिनेमैटिक फॉग। तुम इमेजिन करो रात के टाइम एक टॉल बिल्डिंग के टॉप पे एक सुपर हीरो खड़ा है, पीछे से नियॉन लाइट्स चमक रही है और कैमरा नीचे से उसकी तरफ देख रहा है, मतलब तुम लिटरली उसके पैर के पास हो, जैसे वो तुमसे 10 फुट बड़ा हो। तो चलो इस प्रॉम्प्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। सुपर हीरो
हो तो ऑब्वियसली तुम पावरफुल कैरेक्टर दिखाना चाहते हो स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब हाइट भी यूज हो रही है, सीन और बना लग रहा है। लो एंगल, दिस इज अ मैजिक पार्ट। वही बंदा अगर आई लेवल से देखते तो वो नॉर्मल लगता, लेकिन यहाँ पे अब वो बड़ा और पावरफुल लग रहा है। नाइट टाइम प्लस सिटी लाइट्स, इस वर्ड को सीन के एनवायरमेंट के लिए यूज किया गया। सिनेमैटिक फोग और मूवी की फील देने के लिए हमने सिनेमैटिक फोग इस फ्रेज का यूज किया। तो ये सिर्फ एक कैमरा एंगल नहीं है, ये पावर का इल्यूजन क्रिएट करने का शॉर्टकट है। चाहे AI हो या रियल कैमरा, लो एंगल का असर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। वॉरियर क्वीन वॉकिंग डाउन पैलेस स्टेप्स, लो एंगल शॉट, गोल्डन सनलाइट, रॉयल वाइब, सिनेमैटिक स्लो मोशन लुक। सोच के देखो, रानी नीचे से आ रही है, तुम नीचे हो, कैमरा ऊपर देख रहा है, वो हैवी ड्रेस में है, उसके पीछे लाइट चमक रही है। रिजल्ट, शी लुक मैजेस्टिक, ग्रैंड एंड पावरफुल। ऑडियंस देखते ही समझ जाती है कि ये कोई आम करेक्टर नहीं है। तुम्हारा काम है एक पावरफुल मूवमेंट इमेजिन करो, कोई सुपर हीरो हो या कोई लीडर हो या कोई बॉस टाइप करेक्टर, उसका एक लो एंगल सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट कमेंट में लिखो। मैं बेस्ट प्रॉम्प्ट्स को अपने नेक्स्ट पार्ट में फीचर करने वाला हूँ। तो भाई आज की क्लास यहीं तक थी। हमने समझा कि कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, फिर तीन बेसिक्स और इम्पोर्टेंट एंगल्स को क्लियर किया, हाई लेवल, हाई एंगल और लो एंगल, कैसे दिखते हैं, क्या फील देते हैं, AI प्रॉम्प्ट में कैसे लिखना है, ये सब हमने इसमें क्लियर किया। अब आता है सिंपल काम, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना। खुद से सीन इमेजिन करो, प्रॉम्प्ट बनाओ और मेटा AI या किसी भी फ्री AI टूल में जाके रिजल्ट को चेक करो। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट एंगल्स को कवर करेंगे जो तुम्हारे शॉर्ट्स को और भी सिनेमैटिक बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास।